देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं रश्मि गौरी। खबरों की शुरुआत करेंगे। भूपेश कैबिनेट की बैठक आज होनी है। बजट सत्र में जो संशोधन विधेयक है उसके प्रारूप पर चर्चा की जाएगी। कोरोना वायरस को लेकर सरकार के द्वारा उठाए गए कदम पर चर्चा होगी। कोरोना को लेकर एहतियातन कदम और उपायों पर चर्चा होगी। किसानों को हुए नुकसान के मुआवजे पर भी चर्चा संभव है। सीएम हाउस में शाम 5 बजे से ये बैठक शुरू होगी। बैठक राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की ये बैठक आज है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में बैठक होगी। कोरोना वायरस को देखते हुए बैठक शाम 6 बजे मुख्यमंत्री निवास पर होगी। कोविड-19 के संबंध में कार्य योजना पर भी चर्चा की जाएगी। सुप्रिया पांडे ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ गई हैं, जिनके साथ चर्चा करेंगे। चर्चा की शुरुआत सुप्रिया, आज जिस तरह से ये बेहद ही महत्वपूर्ण ये बैठक बताई जा रही है कोविड-19 को लेकर, मुख्यमंत्री सीएम हाउस में शाम 6 बजे के आसपास ये बैठक होगी। इसके अतर भी जो बजट संशोधन विधेयक को लेकर भी उसको फाइनल प्रारूप उसका दिया जाना उसको लेकर भी चर्चा होगी, और क्या जानकारी आप दे पा रही है जरा विस्तार से दीजिए। आज शाम को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निवास में कैबिनेट की बैठक होनी है, जिसमें आपदा जो प्रबंधन कोरोना को आपको बता दें कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने आपदा घोषित किया है, जिस वजह से इस मुद्दों पर भी चर्चा की जाएगी। साथ ही इस बार बेमौसम बारिश की वजह से किसानों की फसलें जो हैं वो काफी नुकसान हुई थी। बारिश के ओलों ने उनकी फसलों को बर्बाद करके रख दिया था, जिस वजह से किसान जो है वो काफी परेशान थे। और विधानसभा में इस बात की खबर जब मुख्यमंत्री समेत तमाम मंत्रियों को लगी तो उन्होंने ये घोषणा भी की थी कि उनका जो मुआवजा है वो उन्हें दिया जाएगा, तो इस संबंध में चर्चा हो सकती है। साथ ही कोरोना को लेकर के राज्य में तमाम जो है अलर्ट जारी किया कर दिया गया है। छत्तीसगढ़ की सीमाओं पर जवान जो है वो तैनात है। सभी लोगों को मास्क वितरित किया जा चुका है। साथ ही कोरोना को लेकर के तमाम एहतियात बरतने को भी हर किसी को जागरूक किया जा रहा है। और साथ ही अगर सभी सार्वजनिक जगहों पर जहाँ पर भीड़ भाड़ देखी जा रही है वहाँ पर अवकाश घोषित कर दिया गया है। और यदि किसी सार्वजनिक जगह जैसे कि मॉल हो गए, अभी भी आपको बता दें कि मॉल को बंद करने के निर्देश अभी सामने नहीं आए हैं, लेकिन कल कोचिंग सेंटर को बंद करने के जो आदेश है वो आए थे। तो इस तरह की जो तमाम सार्वजनिक जगह है जहाँ पर अभी भी जनता का जो प्रवेश है वो किया जा रहा है, तो वहाँ पर सैनिटाइजर से हाथ धुलवा कर ही प्रवेश करने दिया जा रहा है। तो इस तरह से तमाम जो मुद्दे हैं उस पर चर्चा की जाएगी। साथ ही अभी जो बारिश है वो अभी तक ये खत्म नहीं हुआ है। मौसम वैज्ञानिक ने ये भी कहा है कि अभी पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव जो है वो फिर से सक्रिय होगा, तो इस बार ऐसा भी माना जा रहा है कि किसानों की जो फसलें हैं या फिर और कुछ बर्बाद होने की जो आशंका है वो जताई जा रही है। तो इस तरह की जो मौसम की जो मौसम जो करवट बदल रहा है उसे लेकर के भी जो चर्चा है वो की जाएगी कि जितने भी नुकसान है उसकी भरपाई सरकार के द्वारा की जा सके। बिल्कुल, क्योंकि सुप्रिया धान और फसल के नुकसान को लेकर भी चर्चा की जाएगी, क्योंकि लगातार किसान ये कह रहा है कि जिस तरह से अचानक से जो बारिश हो जाती है इन तमाम चीजों के चलते जो प्राकृतिक आपदा है उसकी वजह से ज्यादा नुकसान हो रहा है, तो उसको लेकर भी चर्चा होना है। तो किस तरह से नुकसान की भरपाई होगी, क्या मतलब कितना जो बजट है इसके लिए अलॉट किया जा सकता है? जी बिल्कुल, अभी तो बजट जो है वो पेश हो चुका है, लेकिन बजट संबंधित जो प्रस्ताव है उन पर चर्चा नहीं हुई है, क्योंकि जो विधानसभा है वो 26 मार्च तक के लिए जो है स्थगित किया जा चुका है। इस वजह से इन सभी मुद्दों पर भी चर्चा की जाएगी कि किस तरह से इसमें और संशोधन जो है वो किया जा सकता है। तो इस वजह से इन सभी मुद्दों पर भी चर्चा की जाएगी। और साथ ही आपको बता दें कि किसान जो है वो काफी मेहनत से अपनी फसलों की देखरेख करता है, और ऐसे में अगर प्राकृतिक आपदा के द्वारा अगर उसे नुकसान पहुंचाया जाता है तो ऐसे में किसान क्या करेगा, क्योंकि उसके पास एहतियात बरतने के लिए या फिर उसके पास जो जानकारी है वो पहले से नहीं रहती है कि पहले से ही बारिश होगी या फिर इस तरह की जो तमाम जानकारी है वो किसानों के पास उपलब्ध नहीं होती है। तो ऐसे किसानों को चिन्हांकित करके उन्हें जो है मुआवजे की राशि प्रदान की जाएगी, ऐसा मंत्रियों ने निर्णय लिया है। इसके अतर और कौन कौन से मुद्दे रहेंगे चर्चा के लिए? इसके ऊपर कोरोना जो है वो सबसे बड़ा मामला है, अभी तो पूरे विश्व में ये फैल चुका है, और साथ ही विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इसे महामारी के साथ ही आप
आपदा भी घोषित कर दिया, तो इस मामले पर चर्चा होगी। और ऐसी सूत्रों के अनुसार ऐसी जानकारी आ रही है कि कोरोना में जो है एक पॉजिटिव मरीज की मिलने की जानकारी आ रही है, हालांकि इसकी पुष्टि अभी हुई नहीं है, तो इस वजह से भी इस मामले पर भी जो है वो चर्चा की जा सकती है। फिलहाल इस मामले की पुष्टि होनी बाकी है, लेकिन ऐसी जानकारी सामने आ रही है कि कोरोना से संदिग्ध एक मरीज जो है वो मिला है, लेकिन पुष्टि होने के बाद ही इस बात पर कुछ कहा जा सकेगा। तो इस मामले को लेकर के भी कैबिनेट बैठक में जो है चर्चा की जाएगी, क्योंकि छत्तीसगढ़ में एहतियात काफी समय से बरती जा रही है और साथ ही जितने भी संदिग्ध है उस पर नजर रखी जा रही है। आपको बता दें कि अभी मौसम बदल रहा है, उस वजह से लोगों को मौसमी बीमारी भी अपनी चपेट में ले रही है, और कोरोना के लक्षण और मौसमी बीमारी के जो लक्षण हैं वो ज्यादातर आमतौर पर सेम पाए जाते हैं, तो इस वजह से उन दोनों में मरीजों में अंतर करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। ठीक है, लेकिन बड़ा सवाल ये भी है सुप्रिया कि जो शहरी क्षेत्र है वहाँ पर तो लोगों को समझाइश दी जा रही है, जो सुदूर वनांचल क्षेत्र में जहाँ पर ग्रामीण वास करते हैं वहाँ रहते हैं उनको कोरोना के बारे में शायद उतनी जानकारी नहीं है, तो ऐसे में क्योंकि छत्तीसगढ़ आदिवासी बहुल्य प्रदेश है और वहाँ पर आदिवासियों की भी जो जनसंख्या है वो बहुत ज्यादा है, वनांचल क्षेत्रों में इनकी बसाहट रहती है, तो इन ये जो प्रॉपर जो एरियाज बताए जाते हैं यहाँ पे किस तरह के माकूल इंतजाम राज्य सरकार के द्वारा किए जा रहे हैं और किस तरह से लोगों को जागरूक किया जा रहा है, क्योंकि ये वो क्षेत्र है जो सैनिटाइजर और मास्क की जो पहुंच है जो रेंज है उससे बहुत दूर है। जो आदिवासी बाहुल्य जो क्षेत्र है उन पर सैनिटाइजर मास्क की जो दूर दूर तक की सुविधाएं जो है वो उपलब्ध नहीं है, लेकिन इनके बावजूद भी जो सरकार है उनके द्वारा काफी प्रयास किए जा रहे हैं। एक वीडियो जारी किया जा रहा है स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से, जिसमें कोरोना को लेकर सावधानी बरतने के साथ ही है हाथ धोने के लिए कहा जा रहा है और साथ ही मास्क लगाने के लिए कहा जा रहा है जनता को, लेकिन आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र में जो आदिवासी है उन्हें जागरूक करना काफी जो चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि स्वास्थ्य विभाग के पास, अगर हम स्वास्थ्य विभाग की बात करें तो उनके पास तमाम जो सुविधाएं हैं वो मौजूद नहीं है। अगर ग्रामीण अंचलों से अगर मान लो अगर स्थानीय रूप में अगर कोरोना का संक्रमण फैलता है तो स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कोई भी जो सुविधा है वो नहीं मिल पाएगी, क्योंकि सरकारी अस्पतालों में आपको पता है कि सरकारी अस्पतालों में ओपीडी की बात करें या फिर आईसीयू की बात करें तो पर्याप्त जो सुविधाएं है वो मौजूद नहीं है अभी भी। तो अगर ग्रामीण की संख्या या फिर मरीजों की संख्या अगर ज्यादा होती है तो स्वास्थ्य विभाग को इसे संभाल पाने में मुश्किल होगा, और साथ ही डॉक्टर जो है वो तमाम अभी अभी तक के मरीजों की देखरेख में जुटे हुए हैं, इसलिए नजर बनाए रखिए, नजर बनाए रखिए, दिन भर लगातार आपसे बड़ी खबरों पर अपडेट लेते रहेंगे। बहरहाल अब तक की आपकी जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया।